नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक ने ससुराल पक्ष से परेशान होकर आत्महत्या का मामला सामने आया है। मृतक द्वारा सुसाइड नोट में ससुराल पक्ष का जिक्र किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। दरअसल इंदौर में आत्महत्याओं के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही ताजा मामला एमआईजी थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहाँ पर उमेश नामक युवक द्वारा फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई। परिजनों का आरोप है कि वो पिछले दिनों से काफी परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ऊपर दहेज प्रताड़ना सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया था। तभी से वो मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहा था और इसी के चलते उसने ये आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया है। मृतक उमेश के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें ससुराल पक्ष का जिक्र किया गया है। सुसाइड नोट को पुलिस ने जब्त कर जांच, तो वहीं परिजनों की शिकायत भी दर्ज की गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्बा हॉस्पिटल भेजा गया है। सर, उमेश सराउंड इनका नाम था, मेरा छोटा भाई था। तीन से कैसे बड़ा भाई नेहरू नगर में रहता था। चार पांच दिन से ज़्यादा ही डिप्रेशन में था। इसकी मिसेज ने इस पर केस लगा रखा था, दहेज प्रताड़ना का, और दूसरे दो तीन केस लगा रखे थे। तो उस समुदाय में ज़्यादा डिप्रेशन में चले गया था अभी। तो फिर अभी आज सुबह उसने सुसाइड कर लिया, गले में फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया। ये सर आते में जॉब करता था, शादी 4 साल हो गया सर। ये लड़का है, 1 साल बाद इसके मिसेज ने छोड़ दिया था। तो जो केस लगा रखा था, 3-1 साल से परेशान था। हाँ, पत्नी ने परेशान कर रखा था। सुसाइड नोट वो पुलिस ने बरामद कर लिया है, जो लिखा था उन्होंने। वो यही लिखा था कि मेरी मतलब सुसाइड का कारण जो है, मतलब मेरे ससुराल पक्ष वाले ही है जो, जिसके कारण में परेशान था, उन्होंने केस लगाया। मैं उनका बड़ा भाई हूँ, विजय रेणु, विजय सराउंड, विजय सराउंड। सुबह थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि नेहरू नगर 5 नंबर रोड पर एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है। सूचना पर मौके पर मैं पहुंचा, स्पेशल टीम बुलाई गई, तो पता चला कि उमेश पिता यशराज चावड़ंडे, जाति बैरवा का है, उम्र 35 साल है, निवासी 381/5 नेहरू नगर, ने अपने घर के पिछले कमरे में फांसी लगा ली है। क्या कारण आया? कारण उसके पत्नी क्या है, 2019 से अलग रह रहे हैं दोनों। पत्नी ने उसके खिलाफ दहेज घरेलू हिंसा का केस भी लगा रहा है। इस कारण से वो शायद 1 महीने से अभी टेंशन में था। एक सुसाइड नोट लिखा है उसमें, कुछ उसने सिर्फ ये लिखा है कि इस नंबर पर संपर्क कर लेने, एक मोबाइल नंबर लिखा है जो नंबर उसकी पत्नी का है। क्या नाम था इसकी पत्नी? पत्नी का नाम रेणु है। ये कहाँ की रहने वाली? उज्जैन की रहने वाली है। ये करता क्या था? ये वहाँ बड़नगर में हाथी पे काम करता था। अभी कोई बातचीत नहीं कर रहे बयान वयान परिजनों को? अभी परिजनों से चर्चा हुई, बयान वयान बाकी है, बयान नहीं हुए। आपका परिचय? एसआई प्रेम सिंह। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल।